हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रॉकिंग स्टार एस के अपकमिंग मूवी के अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वहीं रॉकिंग स्टार के फैन के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा, केजीएफ के बाद क्या रॉकिंग स्टार एस की अगली फिल्म कौन सी होने वाली है और वो अब कैसी फिल्म करने वाली है। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वहीं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रॉकिंग स्टार एस की अगली फिल्म होने जा रही है S19, यानी कि इसका अभी तक ऑफिशियल टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है, बट हमें इसकी ऑफिशियल टाइटल भी जल्दी देखने को मिलने वाली है। कुछ खबर ऐसे भी आ रही है कि इस बार की एस के फिल्म इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में बनने वाली सबसे अलग और सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। एस इस बार कुछ नया करने जा रहे हैं जो इंडियन फिल्म को डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकती है। ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस एक बेंगलुरु बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है। वहीं यश भले ही फिल्म से दूर चल रहे हैं, लेकिन इंडियन सिनेमा में उनके नाम इधर उधर हेडलाइन बनाती रहती है। अभी अभी कुछ दिनों पहले ऐसे भी खबर आई है कि S19 को डायरेक्ट करने के लिए एक तमिल डायरेक्टर के साथ बात चल रही है। वो एस की अगली फिल्म को डायरेक्शन कर सकते हैं। और वही लेटेस्ट अपडेट तमिल मीडिया से इस तरह से आई है कि पीएस मिथन के साथ डिस्कशन चल रही है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एस को अगली फिल्म कौन सी करने चाहिए? या तो KGF 3 के साथ कंटिन्यू कर लेना चाहिए, या फिर वो इंटरनेशनल लेवल फिल्म जिसके बारे में कोई नहीं जानता है? बता देना फटाफट कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके। तो दोस्तों, आप लोगों को अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।